वैष्णव जन तो तेने कही है जे पीड़ पर आए जाने रे। अब मैं आमंत्रित करूंगी लोकेश मुनि जी को, आचार्य लोकेश मुनि जी को। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो जाना माना नाम है ही। वो राइटर हैं, वो थिंकर हैं, वो फिलोसोफर हैं, और देश में भ्रमण करके उन्होंने जगह जगह लगभग 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा वो देश में भ्रमण किया है। उन्होंने पैदल उन्होंने भ्रमण किया है, और ताकि जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। तो मैं अब आमंत्रित करूंगी आचार्य लोकेश मुनि जी को कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मैं गांधी नंदा फाउंडेशन को और भाई नंदन जाजी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वें बलिदान दिवस पर इतना सुंदर प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित किया कि विश्व भर की विशिष्ट शख्सियतें आज एक मंच पर उपस्थित हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि प्रातःकाल इस कार्यक्रम को मैं उपस्थित हूं और सायंकाल देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता की समिति ने मुझे आमंत्रित किया है। शाम को मैं उसी बलिदान स्थल पर 30 जनवरी लेन जिसे कहा जाता है वहां से जैन प्रार्थना करूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मैं समझता हूं एक हार्ड मास का ऐसा पुतला, और उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया को अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रभावित किया, शायद आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी के लिए एक इतना अद्भुत या आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी स्वयं जैन दर्शन से प्रभावित रहे। श्रीमद रायचंद्र और वीरचंद राघव जी गांधी उनके रूम पार्टनर, और श्रीमद रायचंद्र को तो स्वयं उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनका उल्लेख किया है। मैं इस अवसर पर समझता हूं आयोजकों की कठिनाई को भी, जब प्रारंभ में कह दिया जाता है कि 2-3 मिनट में बात संपन्न करनी है, फिर भी अगर हम लंबा बोलते हैं तो और वक्ताओं के साथ न्याय नहीं हो पाता है। मैं संक्षेप में अपनी बात को यहीं पर उसी समय सीमा में खत्म करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि युद्ध, हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस्ट्रो डायलॉग के द्वारा दुनिया की हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, और उसका आदर्श उपस्थित हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, हमारी आदरणीय बहन साध्वी सरस्वती भगवती जी और हमारे डॉक्टर कल्बे रिजवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे देश के वो शीर्षस्थ न्यायाधीश उपस्थित हैं। मैं इतना ही कहूंगा इस समय कि आज हमें अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखना चाहिए। यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करने का हमारे भीतर भाव होना चाहिए, और यहीं से अहिंसा का, अनेकांत दर्शन का शुभारंभ होता है। अंत में बात खत्म कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही दुनिया का, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। मैं महात्मा गांधी को जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए यही कहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में पीठ दिखाने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, महात्मा गांधी जैसे महान बलिदानी वीरों का बनता है, तपस्वी वीरों का बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं पुनः गांधी नंदा फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ श्रेष्ठ कार्य के लिए। ओम अरहम। वैष्णव जन तो
तेने कही है जे पीड़ पर आए जाने रे।